हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन जो कि चैप्टर 18 है उसके हम एनसीआर टी को पढ़ने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से तो अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है नेम द कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड एंड मैंशन वन मेजर फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दैम अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको जो कंपोनेंट्स होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के उसके नाम बताने हैं ठीक है थीके? और साथ ही हमको हर एक का फंक्शन मेंशन करना है ठीक है सो बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन जो जो कि एक मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली तीन फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट होता है एरिथ्रोसाइट्स जिसको हम आर बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में दैट इज रेड ब्लड सेल्स सेकेंड इज ल्यूकोसाइट्स दैट इज डब्बू जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड इज़ थ्रोम्बोसाइट्स जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स ठीक है तो अब एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यानी कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब कि जो ट्रा, ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस का सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका जो एक्सचेंज होता है ट्रांसपोर्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो उसमें हमारे कौन हेल्प करते हैं आर हेल्प करते हैं आर को ही हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं अब ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं ल्यूकोसाइड्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ़ाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन अगर कोई भी फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो उससे फाइट कौन करता है डब्ल्यू करते हैं और डब्ल्यू के भी जो फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं वो फाइट करने में हेल्प करते हैं इस इस चैप्टर का अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने नोट्स की मदद से पूरे ही एन को कवर करते हुए पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है बहुत ही अमेजिंग वीडियो है वो आप ज़रूर जाके देखिएगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी नाउ थर्ड इज़ थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन दी कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अब थ्रोम्बोसाइट्स को ही हम क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं तो प्लेटलेट्स बेसिकली क्या होती है कि ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करती है अब ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है जब भी हमें चोट लग जाती है तो हमारे कई कोई सी भी बॉडी पार्ट में जब भी कहीं चोट लगती है तो खून बहने लगता है तो हम देखते हैं कि खून जो है वो थोड़ी टाइम बाद जम जाता है और वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है तो वो जो क्लॉट बनता है वो किसकी मदद से बनता है प्लेटलेट्स की मदद से बनता है जो प्लेटलेट्स है वो एग्रीगेट हो जाती है उसके अंदर जो फिब्रिनोजन और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं ब्लड क्लॉट बनाते हैं जिससे कि हमारा ब्लड का लॉस नहीं होता है हमारी बॉडी से दे प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड एक्सेस ब्लड लॉस ठीक है अब ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया जिसमें हमने कंपोनेंट्स बता दिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स फर्दर इनके एक एक फंक्शन हमसे बोले थे वो हमने डिस्क्राइब कर दिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ क्वेश्चन सेकेंड क्या बोल रहा है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन अब प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है तो प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं तीन तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं फर्स्ट इज फेबरिनोजर सेकेंड इज ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड इज़ एल्ब्यूमस ये तीन जो है बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ठीक है यानी कि जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं वो हमको उनके इम्पोर्टेंस बताना है तो सबसे पहला जो है फिब्रीनोजन फिब्रीनोजन क्यों इम्पोर्टेंट होता है फिब्रिनोजन हेल्प करता है हमारे ब्लड कोएगुलेशन में इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि किस तरह से ब्लड क्लॉट होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती है तो फिब्रीनोजन जो एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है वो ब्लड क्लॉटिंग में या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है ग्लोब्योलिनस ग्लोब्योलिन क्या करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्टिंग एजेंट्स वही जो मैंने बताया है कि कोई भी फॉरेन मटीरियल या फिर फॉरन पैथोजन माइक्रोब्स हमारी बॉडी में अगर एंटर कर जाए तो उससे हमारी बॉडी जो फाइट करती है या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट कौन करता है हमको फॉरेन मटीरियल से तो ग्लोब्योलिन प्रोटीन जो होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्टिंग एजेंट्स से अब ये इन्फेक्टिंग एजेंट से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या फिर डिजीज हो जाती है तो उससे कौन प्रोटेक्ट करता है हमारे ग्लोब्यूलिन प्रोटेक्ट करते हैं अब थर्ड जो है एल्ब्यूमिन थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन क्या है हमारा ग्लोब्यू एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन हेल्प इन मेंटेनिंग द फ्लूड वॉल्यूम विद द वस्क्यूलर स्पेस अब जो एल्ब्यूमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं फ्लूड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करते हैं जो जो वास्कुलर स्पेस प्रेजेंट होती है उसके अंदर ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन थर्ड मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड बेसिकली हमको सही मैच बताना है यहाँ पे तो सबसे पहला जो है वो है ईसिनोफिल सो so, ईओसिनोफिल्स uh, अगर आपने पढ़ा होगा मेरी जो वीडियो दे रखी है उसमें भी आप जा कर के देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पूरे ही चैप्टर को ठीक है तो उस वो देखने के बाद ये जो मैच द कॉलम है आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे तो अगर ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये पूरा ही चैप्टर को या फिर एन सी आर टी सोल्यूशन को समझना ठीक है तो ईओसिनोफिल्स क्या करते हैं रेजिस्ट इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन से हमको बचाते हैं ठीक है अब आर जो है आर क्या करते हैं आर यानी कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले एरिथ्रोसाइट्स ठीक है तो जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं एरिथ्रोसाइट्स का क्या काम हमने क्या पढ़ा था दे हेल्प इन रेस्पिरेटरी गैशियस ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे जो गैस ट्रांसपोर्ट है हम इसको इससे मैच कर देंगे तो चलिए हम यहाँ पे मैच करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो इओसिनोफिल है वो क्या करते हैं हमारे रजिस्ट इन्फेक्शन सेकेंड आर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस या फिर हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस ए बी ग्रुप जो है यानी कि ए बी ब्लड ग्रुपिंग जो है यानी कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है यूनिवर्सल रेसिपियन होता है ठीक है यूनिवर्सल रेसिपियन नाउ डी जो है प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स क्या हेल्प करती है दे हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड तो ये यहाँ पर हमने डी को फर्स्ट से मैच कर दिया अब नेक्स्ट क्या होता है सिस्टोल सिस्टोल और डायस्टोल जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर का पार्ट होता है ठीक है तो सिस्टोल सिस्टोल में क्या होता है सिस्टोल में बेसिकली जो है कॉन्ट्रैक्शन uh, होता है हमारे हार्ट का और जो डाइस्टोल होता है उसमें हमारा हार्ट जो है रिलैक्स होता है क्या होता है रिलैक्स होता है ठीक है अब नेक्स्ट ये आपको यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है वाई डू वी कंसिडर ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू अब ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं आपने पढ़ा होगा जब आपने एन सी आर टी पढ़ी होगी या फिर वो वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं सो so, यहाँ पर भी हमने आंसर में लिखा है यहाँ पर मैंने शॉर्ट में दे रखा है बट वो वीडियो में डिटेल में मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है तो आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ठीक है अब जो ब्लड है उसको करेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड सर्व एज द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग द बॉडी सिस्टम बाय द ट्रांस बाई ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेज अब जो है ये हमारा ब्लड है वो सारे ही सिस्टम जो हमारी बॉडी के यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन सब जो सिस्टम है हमारी बॉडीज़ के उनको आपस में कनेक्ट करके रखता है क्यों क्योंकि ब्लड जो है वो पूरी ही बॉडी में सर्कुलेट होता है कंटिन्यूसली और हर एक एक सिस्टम को क्या करता है कनेक्ट करता है हर एक पार्ट में ब्लड प्रेजेंट होता है है। तो इसी कारण से और ये जो ब्लड है वो क्या करता है जो सब्सटेंसेज है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करता है और अगर ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं होता ब्लड नहीं होता तो हमारी बॉडी में जो चीज है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती एंड ऑटोमेटिकली हम मतलब सर्वाइव ही नहीं कर सकते ठीक है तो ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है हमारा ब्लड इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है दूसरा ब्लड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन लाइक एनी अदर कनेक्टिव टिश्यू अब जो ब्लड है वो हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है तो so, मीज़ोडर्म मतलब क्या होता है मिडिल लेयर क्या होता है मिडिल लेयर तो मिडिल लेयर यानी कि सबसे पहली लेयर होती है एक्टोडम उसके बाद होती है मीजोडम और फिर होती है एंडोडाम तो जो बीच वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं मीजोडर्मल बोलते हैं तो जो ब्लड है वो मीज़ोडर्मल ओरिजिन में होता है ठीक है लाइक अदर कनेक्टिव टिश्यूज दूसरे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उन्हीं की तरह वो ब्लड जो है वो भी मीजोटर्मल ओरिजिन का होता है सो so, अब हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड ओके सो लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान से सुनना ठीक है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे जो है ये लिम्फ में जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे रेड कलर को हटा के आपको लिखना है कलरलेस और यहाँ पे कलरलेस को काट के लिखना है रेड कलर ओके सो हमारा जो लिम्फ है वो क्या होता है लिम्फ जो एक कलरलेस फ्लूड होता है यानी कि लिम्फ का कोई कलर नहीं होता है जो ब्लड है हमको पता है कि वो रेड कलर का होता है ठीक है लिम्फ जो है उसके अंदर प्लाज्मा होता है और कम नंबर में डब्ल्यू और प्लेटलेट्स होती है और जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा भी होता है आर होती है डब्ल्यू होती है और प्लेटलेट्स भी होती है अब जो लिम्फ है उसके अंदर कोई भी प्ला लिफ का जो प्लाज्मा है उसमें कोई भी प्रोटीन नहीं होता है बल्कि जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसके अंदर प्रोटीन भी होता है कैल्शियम भी, भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है लिम्फ जो है वो क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से करता है फ्रॉम टिश्यू सेल्स टिश्यू सेल्स से ट्रांस ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड या फिर दूसरे लिम्फेटिक वेसल्स तक ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को और जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ठीक है और जो हमारा लिम्फ है इट हेल्प्स इन डिफेंस बॉडी डिफेंस यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं बॉडी की आर्मी कोई भी पैथोजन या फिर दूसरा फॉरेन मटीरियल अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उससे उससे हमको बचाता है लिम्फ यानी कि ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है ठीक है इट हेल्प्स इन अब जो ब्लड है इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कौन करता है हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है ठीक है the flow of lymph is slow. जो लिम्फ है द फ्लो ऑफ लिम्फ इज स्लो जो लिम्फ है वो स्लोली स्लोली फ्लो करता है बल्कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ही फास्टली फ्लो करता है ठीक है ये हो गया हमारा डिफरेंस लिम्फ एंड ब्लड का ब्लड के बीच में ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय डबल सर्कुलेशन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इसको इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना ठीक है तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस हमको बताना है तो देखो यहाँ पर डबल से हमको समझ आ रहा है कि दो बार ठीक है और सर्कुलेशन यानी कि कि कोई भी चीज़ जो है वो दो बार सर्कुलेट हो रही है तो बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है सॉरी ये हार्ट अच्छा नहीं बना ये जो हार्ट है इसमें चार चेंबर्स होते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड आता है और जो ब्लड प्योर होके हमारे एओटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स तक जाता है तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो दो बार होता है हमारे हार्ट से होते हुए यानी कि द इट इज the प्रोसेस during which ब्लड passes ट्वाइस थ्रू द हार्ट यानी कि दो बार गुजरता है हमारे हार्ट से होते हुए एक सिंगल साइकिल में ठीक है During वन complete साइकिल वन कंप्लीट साइकिल में अगर दो बार ब्लड पास हो रहा है हमारे हार्ट से तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट सर्कुलेशन। दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है अब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है जो मतलब कि सिस्टेमिक यानी कि इट इज दिस सर्कुलेशन। इन दिस सर्कुलेशन, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज पम्पड टू ऑल द बॉडी पार्ट एक्सेप्ट लंग्स थ्रू एओटा अब इसका मतलब ये है कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है देखो मैं आपको इस डायग्राम की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ ये देखो ये यहाँ पे जो इतना इतना पार्ट है ये हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है और इतना इतना पार्ट जो है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो देखो ये जो होते हैं हमारे चार चैम्बर्स होते हैं हार्ट के ठीक है जो ये जो लेफ़्ट मतलब ये वाला जो है वो है लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये जो है लेफ्ट एट्रियम और इधर वाला है हमारा राइट right एट्रियम और नीचे वाला है हमारा राइट वेंट्रिकल तो जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है वो सभी दूर क्या है उसको हम रेड कलर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि ऑक्सीजनेटेड, यानी कि प्योर ब्लड और जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है वो है डी यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है यानी कि वो इमप्योर ब्लड हम बोल सकते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड है लेफ़्ट वेंट्रिकल में वो वहाँ से जो ब्लड आता है वो एओटा से होते हुए पूरी बॉडी पार्ट्स तक सर्कुलेट होता है हर एक एक बॉडी पार्ट्स में जितनी भी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज है उसकी मदद से जो हमारा ब्लड है वो हर एक बॉडी पार्ट तक पहुँचता है ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है ये बॉडी पार्ट्स में जितने भी जो ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज है उसको हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है, है जितनी भी कैपिलरीज है हमारी बॉडीज़ की वो ये है ठीक है देखो यहाँ पे रेड कलर जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लू कलर है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो यहाँ पर हमारी बॉडी ने जितना भी ऑक्सीजन था वो कंज्यूम कर लिया और अब हमारा ब्लड कैसा हो गया है डीऑक्सीजनेटेड हो गया है यानी कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है ब्लड में अब ये ऑक्सीजन मतलब डीऑक्सीजनेटेड हो गया है ये ब्लड इसलिए हमने पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया तो अब ये जो इम्प्योर ब्लड है वो सुपीरियर और इन्फीरियर केवा के थ्रू वापस से हार्ट में चला जाएगा ठीक है तो जो ऊपर वाले पार्ट से जो Uh, जितना भी इम्प्योर ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है और जो नीचे वाले बॉडी पार्ट से जितना भी इम्प्योर ब्लड आता है वो इन्फीरियर केवा के थ्रू आता है ठीक है तब वापस से हमारा हार्ट जो है वो आ गया है हमारे यहाँ पे राइट एट्रियम में ठीक है ये हमारा राइट एट्रियम में आया राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और फिर वापस हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ गया ये यहाँ तक की जो साइकिल थी ये पूरी वन कंप्लीट साइकिल थी ठीक है अब जो दूसरी साइकिल होती है यानी कि पहली बार ये इस तरह से हमारे आ, हमारा जो ब्लड है वो यहाँ तक आ गया है ठीक है यहाँ तक आ गया है सबसे पहले इधर से आया ब्लड और फिर वापस से बॉडी पार्ट्स तक गया और फिर वापस से हार्ट में आ गया ठीक है अब जो है हमारे क्या होगा अब होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हम लंग्स को छोड़ के सब दूर ब्लड को पहुँचाते हैं ठीक है यहाँ पे जो ब्लड है वो सभी बॉडी पार्ट्स तक गया था एक्सेप्ट लंग्स ठीक है अब हमारा ब्लड जाएगा लंग के पास देखो अभी हमारा ब्लड यहाँ तक पहुँच गया था अब हमारा ब्लड यहाँ से होते हुए जाएगा पल्मोनरी वेंस के थ्रू पल्मोनरी वेंस और आर्टरीज़ के थ्रू ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा सॉरी पहले जाएगा पल्मोनरी आर्ट्री में पल्मोनरी आर्ट्री जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है तो पल्मोनरी आर्ट्री से जाएगा वो हमारे लंग्स में लंग्स में जितना भी ऑक्स मतलब डी मतलब एक्सचेंज होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हम जो इन्ेल करते हैं ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन आ जाती है लंग्स में और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड वेसल्स में वो चली जाती है वापस से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर कंज्यूम हो जाती है यानी कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वापस से हमको ऑक्सीजन मिल गई यहाँ पर जो हमने इन्हील की थी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस बन गया हमारा अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो वापस से हार्ट में आएगा हार्ट में सबसे पहले आएगा राइट एट्रियम में फिर सॉरी सौर, लेफ़्ट एट्रियम में आएगा ये हमारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा और वापस से यही साइकिल पूरी रिपीट होती जाएगी तो ये जो है दो बार हमारे हार्ट हार्ट से ब्लड जो है वो गया और वापस से हार्ट में आ गया ठीक है तो ये दो बार ये साइकिल हुई इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं एक सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पलमो पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स और सिस्टेमिक यानी कि जो दूसरे जो बॉडी पार्ट्स है वो ठीक है तो जब हमारा जो ब्लड है उस स, उसका सर्कुलेशन होगा फ्रॉम हार्ट टू तो लंग्स जब हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स जब होगा सर्कुलेशन तो हम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन आई होप आपको पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा ठीक है तो ये हमारे दो त, दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ठीक है आप ये एक डायग्राम और देख सकते हैं इसमें मैंने बताया है कि किस तरह से डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी और लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेट होता है आप इसको देख लीजिएगा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इससे पहले एक बार और मैं आपको ये बता देती हूँ पढ़ के पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है पल्म इन पल्मोनरी सर्कुलेशन द डिऑक्सीनेटेड ब्लड बॉट बैक फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स इज पम्प्ड टू द लंग्स यानी कि जितना भी बॉडी पार्ट्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो लंग्स तक पहुँचता है बाय द राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है आपको ये बात ध्यान रखनी है एक लौती है आर्टरी ही ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है बाकी की जितनी भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ये बात आपको ध्यान रखनी है अब लंग्स के अंदर क्या होता है कि जो डी ब्लड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और वापस से ही हार्ट को वो ब्लड पहुंचा दिया जाता है ठीक है इन लेफ्ट एट्रिया या फिर लेफ़्ट एट्रिया में वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस पहुंच जाता है बाय पल्मोनरी वेन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इकलौती पल्मोनरी वेन ही ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजिनेटेड ब्लड को कैरी करती है दूसरी जितनी भी वेन्स होती हैं हमारी बॉडी में वो सारे ही डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को कैरी करती है दिस कम्प्लीट्स द सेकेंड सर्कुलेशन इस तरह से सेकेंड सर्कुलेशन हमारे हार्ट में होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिस्टम इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है डबल सर्कुलेशन का या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं होते हैं एनी कहीं पे भी मतलब पूरी बॉडी में कहीं पे भी ये जो ऑक्सीजन और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स ना हो पाए इसी वजह से दो सर्कुलेशन हमारी हार्ट में होते हैं ठीक है दस इम्प्रूव्स द ऑक्सीजन सप्लाइंग कैपेसिटी टू द हार्ट इस कारण से जो हमारी हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है वो इम्प्रूव हो जाता है और अच्छी तरह से हमारा हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में पंप करता है ब्लड को और ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सेपरेटेड रहते हैं एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं ठीक है यहाँ पे हमारा डबल सर्कुलेशन हो गया कंप्लीट अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की तरफ अब क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्या बोला है डिफरेंस बिटवीन हमको बताना है ब्लड एंड लिम्फ मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ब्लड एंड लिम्फ को एक्सप्लेन किया इसलिए मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगी आप उसको ही वापस से देख लीजिएगा ना बी में क्या है ओपन एंड क्लोज सर्क्यूलेट क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन सिस्टोल एंड डायस्टोल पी वेव्स एंड टी वेव्स तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा ब्लड लिम्ब और ब्लड में हमारा डिफरेंस है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया अब हम पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन सो ओपन सिस्टम ऑफ़ सर्कुलेशन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन अब ओपन सिस्टम से हमें पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ जो है ओपन है यानी कि इन दिस सिस्टम ब्लड इज़ पम्प्ड बाय द हार्ट थ्रू द लार्ज वेसल्स इन टू द् बॉडी कैिटी और साइनसिस अब ये जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम है ये ओपन है यानी कि इसमें जो ब्लड पम्प हो रहा है हमारे हार्ट के द्वारा या फिर जो लार्ज वेसल्स के द्वारा ब्लड पम्प हो रहा है हमारी बॉडी कैिटीज़ के अंदर तो जो बॉडी कैटीज़ के अंदर जो जा रहा है यानी कि जो पूरी खाली जगह होती है ना हमारी बॉडी में जिसको हम साइनसिस बोलते हैं उसमें जो सर्क्यूलेशन हो रहा है वो ओपनली हो रहा है ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं और जो क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन होता है उसमें जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा पंप होता है इन अ क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है यानी कि पर्टिकुलर जो वेसल्स हैं जो कैरी कर रही है ब्लड को तो उस तो वो जो ब्लड है हमारी जो वेसल्स है उसके अंदर ही क्लोज है यानी कि ओपन नहीं है वो ब्लड सिर्फ वो रेस्ट्रिक्टेड है कि वो वैसल्स के अंदर ही फ्लो कर पा रहा है तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी कैविटीज यानी कि जितनी भी खाली जगह हमारी बॉडी में है जहाँ पे कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है कोई ब्लड वेसल्स नहीं है और जो खाली स्पेस है वहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है जिसको हम साइनसिस बोलते हैं उस तरह को हम उस तरह के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है system, या फिर ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन अब ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन में क्या होता है बॉडी टिश्यूज़ आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड जितने भी टिश्यूज़ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं और जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें जो बॉडी टिश्यूज़ है वो इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं हमारे ब्लड से यानी कि वो ब्लड वेसल्स या फिर दूसरी चीज़ों के थ्रू कनेक्टेड होते हैं ब्लड फ्लोज एट लोअर प्रेशर जो ब्लड है वो इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लो प्रेशर के द्वारा मतलब सर्कुलेट होता है उसमें ब्लड में प्रेशर कम होता है और जो क्लोज सिस्टम है उसमें हाई प्रेशर से ब्लड फ़्लो करता है जो ब्लड फ्लो है उसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते ओपन सिस्टम में बल्कि जो क्लोज सिस्टम है उसमें ब्लड के फ़्लो को हम रेगुलेट कर सकते हैं दिस इज प्रेजेंट इन ऑर्थरोपोर्ट्स एंड मोलस्क ये जो ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन है ना वो ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता है ये पाया जाता है आर्थ्रोपोर्ट्स और मोलस्क के अंदर ये चीज़ भी आपके एन में मैंशनड है आप एन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज़ प्रेजेंट इन एनालीड्स इकाइनोडर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स ये जो है एनालीड्स इकाइनोडर्म्स और वर्टिब्रेट्स यानी कि ह्यूमन बींग्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जिसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है सर नेक्स्ट स्टेप हमको डिफरेंस पढ़ना है सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में सिस्टोल यानी कि होता है कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट और डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट तो जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स जितने भी हार्ट के चैम्बर्स होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम बोलेंगे उसको सिस्टोल टू ड्राइव ब्लड इन द एटा एंड पनमोनरी आर्ट्री यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ब्लड है वो एटा तक पंप होता है और फर्दर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हमारा जो राइट एट्रियम होता है सॉरी राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से जब हम पल्मोनरी आर्टरीज तक ब्लड को पहुँचाते हैं और पल्मोनरी आर्टरीज फर्दर लंग्स तक ब्लड को पहुँचाती है तो जब क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का ये दोनों ही कंडीशन में क्या होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है इसमें हार्ट का रिलैक्सेशन होता है यानी कि जितने भी हार्ट के चैंबर्स हैं जब वो रिलैक्स होते हैं जब हम बोलते हैं डाइस्टोल तो ये जो है बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सबसे पहले होता है कॉन्ट्रैक्शन फिर होता है रिलैक्सेशन और फिर से कॉन्ट्रैक्शन यानी कि दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो होता है रिलैक्स वाला जो फेज uh, होता है जिसमें हार्ट रिलैक्स होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल अब सिस्टोल जो होता है सिस्टोल डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ हार्ट चैम्बर्स यानी कि जब सिस्टोल होता है तो हार्ट का जो हार्ट के जो चैम्बर्स है उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है एंड फोर्स ऑफ ब्लड आउट ऑफ देम ठीक है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड बहुत ही फोर्स फोर्सफुली हमारे हार्ट में फ्लो करता है यानी कि सर्कुलेट होता है और जब डायस्टोल होता है डायस्टोल ब्रिंग्स द हार्ट चैम्बर्स बैक इन टू द ओरिजिनल साइज यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कि हार्ट सिकुड़ा फिर उसके बाद जब रिलैक्स हुआ नॉर्मल कंडीशन में आया तो वो ओरिजिनल साइज़ का हो जाता है वापस से हार्ट टू रिलीव मोर ब्लड ताकि उसके अंदर और भी ज़्यादा ब्लड वापस से फिल हो सके और वापस से कॉन्ट्रेक्शन हो और वापस से वो बॉडी पार्ट्स तक हमारे ब्लड को पहुँचा सके तो इस तरह से हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है ठीक है इसकी जो थ्री डी वीडियोज़ है यूट्यूब पे अवेलेबल है आप सर्च कर सकते हैं हाउ द हार्ट वर्क्स उसमें आप जो पंपिंग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सो so, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफरेंस बिटवीन पी वेव एंड टी वेव अब पी वेव और टी वेव में क्या डिफरेंस होता है चलिए जानते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पी वेव की सो इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ई सी जी दी वेव इंडिकेट्स द एक्टिवेशन ऑफ साइनो एट्रियल नोट यानी कि जब पी वेव कब आती है जब साइनो एट्रियल यानी कि ऐसे नोट्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा जो कि हमारे हार्ट के अपर राइट right एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं ऐसे नोड्स वहां पे जब आ, एक्टिवेशन होता है यानी कि जब ऐसे नोड एक्टिवेट हो जाती है हम बोल सकते हैं कि ऑन हो जाती है तब जो है पी वेव आती है अब इसको मैं आपको ईसीजी की रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो ग्राफ होता है हमारा ईसीजी का उसकी मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूं ठीक है तो देखो मैं आपको मेरे नोट्स बता देती हूं जिनका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इस इन नोट्स एक्सप्लेनेशन की जो फुल वन शॉट वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है तो चलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में पढ़ते हैं अब अकॉर्डिंग टू योर एनसीआर होती है ना इसीजी उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं मतलब कि जो मशीन है उसको तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो ग्राफ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राम बोलते हैं ईसीजी ठीक है तो ईसीजी क्या है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट यानी कि किस तरह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है रिलैक्सेशन होता है तो इस तरह से हमारा ईसीजी वर्क करता है अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे या फिर आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है जब वो सीरियस कंडीशन में होता है तो इस तरह से वहां पे एक मशीन लगी होती है उसमें इस तरह का ग्राफ बनता है ठीक है और फिर वो जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाता है और इसी उसमें से आवाज आती है पी 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 इस तरह से आवाज आती है ठीक है तो उस मशीन को ही क्या बोलते हैं हम e इी बोलते हैं यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं जो ग्राफ हमें दिखाई देता है वो और मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आई होप आपको ईसीजी e क्या होता है वो समझ आ गया होगा तो ईसीजी e में क्या होता है है एक मशीन होती जहा पे हमको मतलब वो ग्राफ मिलता है उससे हम तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स को क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं जो दो लीड्स है उनको हम रिस्ट में बांध देते हैं यानी कि अटैच कर देते हैं और एक लेफ्ट एंकल में मतलब अटैच कर देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम मशीन से जहाँ पे हमको हमारे हार्ट की एक्टिविटी का पता चलेगा या फिर दूसरी तरह से हम मल्टीपल लीड यानी कि यहाँ पे चेस्ट के अराउंड बहुत सारी लीड्स अटैच करके मशीन से भी कर सकते हैं अब देखो स्टैंडर्ड ईसीजी क्या होता है स्टैंडर्ड ईसीजी कुछ इस तरह का दिखाई देता है जिसमें हमको ये जो दिखाई दे रही है ये हमारी पी वेव ये जो है वो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको और ये जो है हमारी टी वेव है तो बेसिकली हमको यहाँ पे डिफरेंस बताना है पी वेव और टी वेव में तो देखो जब पी वेव है ना पी वेव कब आती है जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है अब जब भी आपको डिपोलराइजेशन आए जब आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है यानी कि हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सिकुड़ रहा है तो जब हमारा एट्रियल यानी कि एट्रियम एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऊपर जो होते हैं वो एट्रियम होते हैं जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा एट्रियल डी होगा और हमारा ग्राफ इस तरह से हमें मशीन में दिखाई देगा अब होता है अब ये जब है ना मतलब डीपोलराइजेशन जब एट्रियल का होता है यानी कि जब एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है उसी सेम टाइम पे जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स रहती है तो अब हमको अब एक बार जो है हुई उस टाइम पे क्या है वेंट्रिकल्स कंडीशन में अब जो है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है क्योंकि वेंट्रिकल्स हाई प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करती है इसलिए इसका ग्राफ जो है वो बड़ा बनता है यानी कि इस तरह से लंबा बनता है

उसके बाद जब नॉर्मल कंडीशन आ जाती है यानी कि वापस से जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड हो जाते हैं यानी कि वेंट्रिकल्स में रिपोलराइजेशन हो जाता है तो क्या उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टी वेव जब आती है ठीक है आई होप आपको ये इसी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा अगर नहीं आया तो वापस से इस वीडियो में पीछे जाओ वापस से देखो तो आपको कंफर्म अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा ठीक है तो ये हम यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड क्लियरली हम तो तो समझ आएगा तो जब साइनो एट्रियल नोट जब एक्टिवेट हुई तो वहां पर क्या हुआ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल जनरेट जैसे ही हुआ वैसे ही क्या हुआ एट्रियाज जो है यानी कि जो एट्रियम है वो क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ देखो मैं आपको एक बार डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको हार्ट का डायग्राम बताती हूँ जस्ट अ सेकेंड देखो ये है हमारा हार्ट का डायग्राम ठीक है इसका ट्यूटोरियल मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें मैं आपको आसान तरीके से डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया आप जाके देख सकते हैं और दूसरे भी जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डायग्राम है वो सारे ही मेरे चैनल पे अवेलेबल है आप प्ले चेक कर सकते हैं तो देखो ये जब एट्रियल यहाँ पे है ना साइनो एट्रियल वॉल कहाँ पे होता है नोड देखो मैं बताती हूँ ओके okay. वो डायग्राम मुझे मिल नहीं रहा है तो ये यहाँ पे जो है ना वो साइनो एट्रियल नोड होता है और यहाँ पे जो है एवी नोड होता है इस पोजीशन पे तो जब ये ऐसे नोड एक्टिवेट होगा जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एवी नोड्स में जाएंगे फिर बंडल ऑफ हिस्स से होते हुए पुरकिंजे फाइबर्स तक ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जाते हैं जिसकी वजह से जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो देखो यहाँ पे जब कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो इस टाइम पे वेंट्रिकल्स वेंटिकल्स रहेंगे और जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो राइट एट्र, एट्रियम रिलैक्स रहेगा इसी तरह से सेम लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब ये रिलैक्स रहेंगे ये वाइस से वर्षा चलता है ठीक है और ये यहाँ पे सबसे ज्यादा तेज जो ब्लड पंप होता है वो यहाँ पे होता है इसीलिए ये वाली वॉल जो है वो मोटी होती है तो जब लेफ्ट एट, वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है तो वो एओटा से होते हुए पूरी बॉडी पार्ट तक ये ब्लड पहुंच जाता है यहाँ से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है ठीक है तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा और डिटेल में अगर आपको समझना है तो वो वीडियो जो वन शॉट वाली है वो आप जाके देखिए अब देखो टी वेव्स क्या होती है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है उसमें जो टी वेव्स होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है यानी कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया जब वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन होगा यानी कि जब वेंट्रिकल्स नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी तो टी वेव वो रिप्रेजेंट करती है ड्यूरिंग दिस फेज द इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इज जनरेटेड बाय ऐसे नोड तो जो ऐसे नोड है ना उसमें जब इम्पल्स आते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है जब ही कॉन्ट्रेक्शन होता है ठीक है कॉजिंग एट्रियल डीपोलराइजेशन जिसके कारण जो एट्रिया है वो डीपोलराइज होगी यानी कि एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट होगी अब टी फेव के केस में क्या होता है कि इस फेज में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाती है और अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है वही बात आपको लिखनी है अब ये क्या है एट इसका जो ओरिजिन है वो एट्रियल ओरिजिन है यानी कि जब एट्रियम में कुछ चेंजेस होंगे यानी कि एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा

अलग जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें भी जो उनके हार्ट का स्ट्रक्चर है उसमें भी डाइवर्सिटी होती है यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म है उनका टू चैम्बर्ड हार्ट होता है कुछ ऑर्गेनिज्म का थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म का फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है ठीक है तो जो ह्यूमंस है उनका बेसिकली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है अब टू चैम्बर्स हार्ट किसके होते हैं फिशेस के होते हैं ठीक है तो मतलब कि जो सिंपल टू चैम्बर्ड हार्ट है वो फिशेस के अंदर देखा जाता है ठीक है टू कॉम्प्लेक्स मल्टी मल्टी हार्ट हार्ट यानी कि भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के होते हैं तो जो फिशेस का टू चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है बल्कि जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं उनका जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड होता है जिसमें टू एट्रियम्स होते हैं और वन वेंट्रिकल होता है और बल फिर अगर हम और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि क्रोकोडाइल्स बर्ड्स मैमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स उनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है यानि कि चार पार्ट्स होते हैं हमारे हार्ट में ठीक है ओके फोर चैम्बर्ड हार्ट जिसमें टू एट्रियम्स होते हैं टू वेंट्रिकल्स होते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको हार्ट का डायग्राम में एक्सप्लेन किया ठीक है अब फिशेस जो होता है उनका जो हार्ट है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो हार्ट पंप करता है और उनके गिल्स में जाकर के वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है क्योंकि जब हमारी फिशेस है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है तो गिल्स में जितना भी ऑक्सीजन आता है वो वापस ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ठीक है फिर वो दूसरे बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई हो जाता है वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट और वापस से वो ब्लड जो है डिऑक्सीनेटेड हो जाता है जितनी भी ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाती है बॉडी में और फिर वापस से हार्ट तक चला जाता है तो इस जो सर्कुलेशन है इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन ठीक है अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है जब लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और जो राइट right एट्रियम है वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ देखो ठीक है जो फिशेज है फिशेज का टू चेम्बर्ड हार्ट होता है एम्वीबियन रेप्टाइल्स का थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है और क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स का फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है तो देखो ये फिशेस किस तरह से सिंगल uh, सर्कुलेशन करती है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया देखो अब जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं ना उनका हार्ट कुछ इस तरह का होता है जिसमें ये जो ऊपर वाले हैं दो उनको एट्रियम बोलते हैं और नीचे एक सिंगल वेंट्रिकल होता है तो ये जो है ना बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है और ये जो है ये रिसीव करता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है और वेंट्रिकल में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो दोनों है वो मिक्स हो जाते हैं ठीक है इस तरह से मतलब यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं और फिर ये जो ब्लड है वो लंग और बॉडी पार्ट्स तक जाता है तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोलते हैं अब हमारे ह्यूमन बींग्स के केसेस में क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेटेड रखता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है यानी कि इस साइड जो है वो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इस साइड पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो इस तरह से बीच में जो सेप्टम है और ये जो अलग अलग एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स है ये सेपरेट करके रखते हैं दोनों ही तरह के ब्लड को ठीक है तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो दो बार सर्कुलेशन करता है इसीलिए हम हमारे इसमें ह्यूमन बींग्स में क्या होता है डबल सर्कुलेशन होता है ठीक है दूसरी बात कि हमारे पास फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है आई होप इट्स क्लियर टू यू चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वापस से आ जाते हैं हमारी एनसीआरटी में तो यही चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है आप इसको पढ़ सकते हैं हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरफ क्वेश्चन नाइन्थ क्या बोल रहा है

मतलब हार्ट को बोलना नहीं पड़ रहा है बार बार कि पंप करो पंप करो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है यानी कि जो हार्ट है है उसमें आ, एबिलिटी होती ऑटोमेटिसिटी की और जो है, जो इलेक्ट्रिकल है कि ऐसे नोट द्वारा जनरेट होते हैं जिसके कारण कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो ये जो ऐसे नोट और एवी नोट जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट उसको क्या बोलते हैं ऐसे नोड और एवी नोड को नोडल टिश्यूज बोलते हैं जो कि क्या करते हैं कि हार्ट की एक्टिविटीज को ऑटो रेगुलेट करते हैं यानी कि खुद से ही रेगुलेट करते हैं ठीक है विदाउट द नीड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि बाहर से हमको कुछ स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं पड़ती है ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं और uh, एक पेज में हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है ठीक है अब हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि मायाजिनिक क्यों बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 10th में हमको साइनोएट्रियल यानी कि एसए नोड्स को पेसमेकर uh, क्यों बोलते हैं हार्ट का ये एक्सप्लेन करना है तो ये तो हमको पता है कि इसको एसए नोड को पेसमेकर बोलते हैं पर क्यों बोलते हैं वो हमें बताती हूँ। तो जो एसए नोड है उस वो जो है ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर लोकेटेड यानी कि स्पेशल कार्डिक मसल फाइबर्स से मिलके बनता है जो कि अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम मैंने जैसे आपको बताया था ना कि जैसे कि राइट right एट्रियम है तो ये ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे एसए नोड प्रेजेंट होता है और उसके पास में नीचे की ओर एवी नोड प्रेजेंट होता है ठीक है हार्ट के हार्ट के राइट right एट्रियम में ये बात आपको ध्यान रखनी है राइट right एट्रियम में ओके okay. So, यानी कि जो कार्डिय, कार्डिय का मतलब क्या होता है हार्ट तो हार्ट में जो इम्पल्स जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है वो ऐसे नोट जब ट्रिगर होते हैं तो ऐसे नोट से ही वो आता है ठीक है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ इन दी हार्ट

इलेक्ट्रिकल इम्पल जनरेट होते हैं और हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ठीक है देअर फोर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेकर तो एक पेज बना हुआ रहता है हार्ट का कि कब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना है रिलैक्स होना है कॉन्ट्रैक्ट होना है रिलैक्स होना है तो ये साइकिल चलती जाती है और ये पेज बनाने का काम जो है साइनो एट्रियल नोड करती है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी साइनो एट्रियल नोड क्योंकि अगर ये नहीं होते तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं मिलता हार्ट को हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाता ठीक है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवंथ की तरफ क्वेश्चन इलेवेंथ में क्या बोला है वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए एवी यानी कि एट्रीओ वेंट्रिकुलर नोट एंड एट्रीओ वेंट्रिकुलर बंडल्स इन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट अब हमने ऐसे नोड की बात कर ली अब हम बात करेंगे एवी नोड और एवी बंडल्स के बारे में तो जो एवी नोड और एवी बंडल्स है उनके पास क्या एबिलिटी होती है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके एक्शन पोटेंशियल यानी कि वही जो इलेक्ट्रिकल इम्पलस होते हैं ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने की जो कैपेसिटी होती है यानी कि वही ऐसे नोट की तरह ही ये भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं और इनको भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती है ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि इट इज टू गेट एक्साइटेड बाय द एक्शन पोटेंशियल इनिशिएटेड बाय साइनो एट्रियल नोट वही जो मैंने बताया कि ये कब एक्साइट होते हैं जब इनको एक्शन पोटेंशियल मिलता है जो कि ऐसे नोट जनरेट करते हैं और एंड कंडक्ट द स्टिमुलस टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हार्ट और ये वो दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है पूरा हार्ट का वहां तक वो जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पहुंचाते हैं विच दे ब्रांच दल्पिंग द रिदम ए कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जिसके कारण ही कॉन्ट्रेक्शन और रिलेक्सेशन हो जाता है हार्ट के अंदर ठीक है इसको भी मैंने नोट्स में बहुत ही डिटेल में कवर किया है ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिफाइन कार्डियक 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 इसमें हमको और रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल तो जब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना एट्रिया वेंट्रिकल्स का उसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन यानी कि कॉन्ट्रेक्शन और हर हर एक कॉन्ट्रेक्शन और एक रिलैक्सेशन को मिला के एक साइकिल बनती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल जब जब एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट होती है जब हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है जब हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल से सिमिलरली जब एट्रियाज रिलैक्स होती है तो हम बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स रहती है तो हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल ठीक है अब ये आपको समझ आ गया कि कार्डियक साइकिल क्या होता है अब जब एक मिनट के अंदर जो वेंट्रिकल्स है वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करती है एक मिनट में उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट ठीक है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक बार मैं नोट्स की मदद से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ देखो ये कार्डियक साइकिल के जो नोट्स है इसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एट्रियल सिस्टोल क्या होता है एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है ठीक है इस तरह से उसकी पूरी स्टेप्स को मैंने बताया है ठीक है कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन है ठीक है ये सिस्टोल डायस्टोल दो दो, दो टाइप के होते हैं ये तो जो कार्डियक साइकिल है ना उसका ड्यूरेशन कितना होता है जीरो पॉइंट एट सेकेंड ये भी आपको इंक्लूड करना है आपके आंसर में ये नोट्स भी एज इट इज आप आंसर लिख सकते हैं अगर आपको ज्यादा नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो ठीक है देखो अब जो कार्डियक साइकिल है यानी कार्डियक आउटपुट क्या होता है कार्डियक आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड एक बार में पंप हुआ उसको जब हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है कार्डियक आउटपुट मिलता है देखो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो होती है सेवनटी एम ठीक है तो सेवेंटी uh, और जो हार्ट रेट होती है वो एवरेज होती है सेवेंटी टू तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको अप्रोक्स फाइव हंड्रेड एम या फिर फाइव लीटर मिलता है यानी कि एक मिनट में हमारा हार्ट हार्ट यानी कि हार्ट में भी अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो वेंट्रिकल्स जो है एक मिनट में पांच लीटर ब्लड को पंप करती है तो आप सोच सकते हैं कि कितना एक मतलब कितने ज्यादा बार हमारे हार्ट से जो है वो ब्लड पंप होता है वो और कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है ठीक है तो आई होप आपको कार्डिक आउटपुट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा ठीक है यहाँ पे आपको डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं ये नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने ना तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर आप बायोलॉजी लवर्स हब भी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मेरा जो ग्रुप है वो दिख जाएगा वो वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा अब हम वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन थर्टीन में हमको explain करने बोला है heart के sounds. हमको पता है कि heart के basically दो होते हैं। एक होता है लब और दूसरा होता है डब लब डब साउंड हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है ठीक है लब डब को हम हिंदी में बोलते हैं धक धक ठीक है ये बहुत ही मतलब धक धक तो गलत है लब डब ही होता है ठीक है टू आर ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल यानी कि जो दो है वो प्रोड्यूस होते हैं कार्डियम की जीरो पॉइंट में हमारा लब भी हो जाता है और डब भी हो जाता है ठीक है फर्स्ट हार्ट साउंड को लब बोलते हैं अब जो लब साउंड है वो कब प्रोड्यूस होता है जब हमारे ट्राइक और बायक वॉल्स जो होती है वो क्लोज हो जाती है यानी कि बंद हो जाती है ये वॉल्स ठीक है

ये हमारा हार्ट खराब डायग्राम है अब जो ये यह यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है ना ये यह यहाँ पे ये यह होती है पल्मोनरी वॉल्व और यहाँ पे होती है एओर्टिक और इन दोनों ही वॉल को मिल करके क्या बोला जाता है सेमी सेमील्यूनर वॉल तो जब सेमी सेमील्यूनर वॉल जो है क्लोज हो जाएगी तो क्या साउंड आएगा डब साउंड आएगा और जब ट्राई कस पीड़िए यहाँ पे और यहाँ पे जो मतलब वॉल प्रेजेंट होती है जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करती है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं ट्राइकस्पिड और वॉल्व बोलते हैं तो जब ये बंद हो जाती है जब साउंड प्रोड्यूस होता है लब ठीक है और जब ये सेमीलिनर वॉल्व होती है क्लोज जब साउंड प्रोड्यूस होता है डब तो आई होप आपको जो हार्ट है उसके साउंड समझ आ गए होंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है वही वापस से आ गया ये स्टैंडर्ड ईसीजी को आपको रिप्रेजेंट करना है और एक्सप्लेन करना है इसके डिफरेंट सेगमेंट्स को तो मैंने इस वीडियो में ही एक्सप्लेन uh, कर दिया है आप वो वीडियो में वापस पीछे जा करके देख लीजिएगा वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हर एक पीक है ना ईसीजी की उसको एक मतलब अलग लेटर से रिप्रेजेंट किया है पी से लेकर टी तक ठीक है दैट स्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि रिप्रेजेंट क्या करती है अलग अलग एक्टिविटी हार्ट की रिप्रेजेंट करती है अब जो पी वेव है वो क्या करती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ठीक है तो इसको मैं डबल से रिपीट नहीं करूंगी तो यहाँ पे हमारा जो एनसीआर टी सोल्यूशन है वो कम्प्लीट होगा आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना यहाँ तक वीडियो में आई गए हो तो जरूर आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो कुछ हेल्प मिली अगर इस वीडियो से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो जल्दी से लाइक कर दो ओके थैंक यू सो मच